देहरादून इज नोन एज अ सिटी ऑफ लव। उत्तराखंड का कैपिटल सिटी देहरादून की हवा में प्यार जरूर महसूस होता है। इट इज सो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ओवर हियर। यहाँ के रास्ते, नज़ारे, लोग और हिमालयस का बैकड्रॉप इस जगह की खूबसूरती को और भी उभारते हैं। The design is so symmetrical that it makes you wait and stare for a while. So this is the interesting cave structure. This place is also considered as Guru Dronacharya's residence. यहाँ पे कुछ अलग और नया देखने जरूर मिलेगा। तो चलो चलते हैं देहरादून घूमने। Krishma and welcome to my channel and welcome from Dehradun, Uttarakhand. I am in Dehradun for one day and ye one day mein hum pura Dehradun explore karenge. See the top places to see here and also Dehradun ka khubsurat nazare ke bhi maze uthayenge. So let's get started with this video and let's cover Dehradun in just one day, visiting all the famous and popular tourist attractions. How to reach Dehradun? So Dehradun has its own airport which has a few connecting flights. It also has a railway station connected to major cities. On by road, Delhi and Chandigarh are the nearest. For internal travel, hiring a tourist car would be the best option, which will cost around ₹2000 to ₹2500 for sightseeing. For stay, we booked the room at the hotel Solitaire Express, which is located at the city center and had costed around ₹2500 per night, and it was a nice decent hotel. So after check-in, hum nikal pade Dehradun ka sightseeing tour karne. Location here in Dehradun. This is the Sahasradhara, and ये पानी में सल्फर पाया गया है, and that is why this water is considered as being medicinal properties that can cure skin diseases and problems. So ये पानी को इसीलिए काफी होली पानी भी माना जाता है. This particular place is like 15-17 kilometers away from the Dehradun city, and यहाँ पे best आने के लिए route would be via car. अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करते हो, दैट इज़ अ टूरिस्ट कार, दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन टू कम हियर. अभी हम लोग ये व्यू एंजॉय करेंगे एंड वहाँ पे कुछ अम्यूजमेंट पार्क जैसा भी है. विल गो एंड हैव अ क्लोजर लुक टू दैट प्लेस एज वेल. वाटर पार्क भी है. दोज आर द एडिशनल चार्जेस ऑफ द पार्क. ये सहस्रधारा के एग्जैक्टली बाजू में ही लोकेटेड है. एक पुल है वहाँ से आन के, एंड दिस इज व्हाट यू गेट, एंड यू कैन एंजॉय योर डे ओवर हियर व्हाइल यू कम हियर एज वेल. एरिया के बाहर भी कई सारे शॉप्स वगैरह भी है, जैसे खाने के दुकान है, छोटे मोटे गिफ्ट आइटम्स है, ये सब भी यहाँ पे अवेलेबल है, दैट आल्सो यू कैन बाय. एंड पार्किंग का भी फैसिलिटी यहाँ पे पूरा है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट करके रखा है. यहाँ पे रोपवे भी है विच टेक्स यू टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, जहाँ पे एक साई बाबा का टेम्पल है, प्लस देयर इज अ डांस फ्लोर, प्लस शॉपिंग है, थोड़े बहुत ईटरीज भी है. करंटली दैट रोपवे इज क्लोज्ड एंड इज अंडर मेंटेनेंस, बट उसका चार्जर ₹200 पर पर्सन, दैट इज अ रिटर्न टिकट, एंड दैट इज ऑल्सो एन अट्रैक्शन दैट यू कैन enjoy while you come to this place. शिवजी का मंदिर भी है, और बहुत ही प्राचीन ज़माने का ये मंदिर है. यहाँ पे एक खास बात ये है कि शिवजी का जो मूर्ति है वो एक गुफा के अंदर है, एंड उसके ऊपर नेचुरल पानी गिरता आ रहा है. दिस इज़ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड स्टिल ये नेचुरल पानी फ्लो हो रहा है, विच इज़ सो फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग टू सी. मतलब ईयर लॉन्ग यहाँ पे पानी शिवजी के ऊपर गिरता आ रहा है. सो दिस इज़ अ टेम्पल दैट यू कैन कम एंड विजिट हियर इन सहस्रधारा. बाहर
है ये गुफा का रास्ता जाता है एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे नेचुरल पानी फ्लो हो रहा है इन बिटवीन दिस ट्रीज एंड लीव्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये बनाया हुआ है या फिर आर्टिफिशियल है, बट नहीं, ये नेचुरल है एंड ये ईयर लॉन्ग फ्लो होता है, विच इज़ सो फैसिनेटिंग एज वेल। आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा एक वाटर फ्लो हो रहा है, इतना यूनिक है कि यहाँ पे आके आपको ये जरूर देखना चाहिए। गुफा के रास्ते पे बहुत सारे स्टेयर्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के गुफा भी है। नीचे कुछ गुफा है, ऊपर एक बड़ा सा गुफा है। सो इफ़ यू लाइक यू कैन गो वॉकिंग अप टू द टॉप एंड व्यू ऑल दोज एज वेल। एंड ये सारी गुफाओं में पानी बह रहा है, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट टू दिस प्लेस एज वेल। यहाँ पे पीछे की तरफ देयर्स वन मोर गुफा दैट यू कैन सी। अंदर गुफा के जा नहीं सकते, बट हाँ बाहर से इसे ज़रूर देख सकते हैं। एंड नीचे सहस्त्र धारा बह रही है, तो ऐसा यहाँ का ये व्यू है। से आगे बढ़कर वी आर एट अवर नेक्स्ट लोकेशन हियर टू एक्सप्लोर देहरादून, विच इज़ द रॉबर्स केव। ये देहरादून सिटी से 8 किलोमीटर की दूरी पे है एंड सहस्त्र धारा से कुछ 20 से 15 मिनट की दूरी पे है। सो नाउ वी गोना गो एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस हियर इन देहरादून एंड कम्स इन टू वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट लोकेशन टू विजिट हियर एज वेल। सो लेट्स गो एंड गेट अ क्लोजर लुक एट द रॉबर्स केव हियर। एंड इसका एंट्री टिकट इज 35 रुपीज़ पर पर्सन। केव के अंदर पानी है एंड पानी के ऊपर से हमें चल के जाना है, इसीलिए यहाँ पे चप्पल लेना पड़ता है, बिकॉज शूज वगैरह सॉक्स वगैरह गीला हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये लोग ने ऐसे चप्पल स्टॉल रखा है, दैट इज 10 रुपीज़ पर पर्सन पे करके यू हैव टू रेंट अ चप्पल एंड देन गो इनसाइड। क्योंकि खुद के चप्पल भी लेके जा सकते हैं पर वो गीला हो जाएगा, सो दैट वुड बी एन इशू। अदरवाइज वेयर रेनी शूज इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू वेयर समबडी एल्सेस रेंटेड शूज। सो या यू कैन गो इनसाइड आफ्टर दैट। रॉबर्स केव, भले ही दिस इज द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, बहुत ठंडी है, पैर डालने को बहुत ठंडा लग रहा था पानी के अंदर, बट वंस यू आर इनसाइड द वाटर इतना कुछ लगता नहीं है एंड यू हैव टू वॉक थ्रू इट। इट्स अ 600 मीटर लॉन्ग केव, बट हम जितना हो सके उतना कवर करेंगे एंड इट्स सुपर इंटरेस्टिंग। यू कैन सी द स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, इट्स सो फन। ड्यूरिंग द 1800s रॉबर्स यूज टू हाइड हियर ब्रिटिशर्स से छुपने के लिए, मतलब वो लोग यहाँ पे लूट मार करके यहाँ पे आके छुपते थे। बिकॉज ऑफ दिस यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ द केव एंड वो यहाँ पे घेरा रहता था, तो नोबडी यूज टू बी एबल टू फाइंड देम एंड हेंस दे यूज टू हाइड ओवर हियर। द होल प्लेस इज ऑल्सो मेड आउट ऑफ लाइम स्टोन, इट्स अ नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ अ केव एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग टू सी। यू कैन एक्चुअली गो टिल द एंड ऑफ द केव एंड सी द होल स्ट्रक्चर। सहस्त्र धारा का ही पानी है जो केव के अंदर आता है, ये कंटिन्यूसली बह रहा है, तो पानी का फ्लो आप फील कर सकते हो व्हेन यू आर एंटरिंग द केव। सो द इंग्लिश नेम ऑफ दिस प्लेस इज रॉबर्स केव, बट ये हिंदी में यहाँ पे या फिर लोकल लैंग्वेज में इसे गुच्छू पानी भी कहा जाता है। एज यू कैन सी, सुपर फन टू गो थ्रू दिस केव। दोनों साइड में लाइमस्टोन का स्ट्रक्चर है, केव बना हुआ है एंड इट्स ऑल नेचुरल फॉर्मेशन एज आई मेंशन्ड, एंड आगे जाके यू गेट मोर एंड मोर डिफरेंट एंड यूनिक फॉर्मेशन एज वेल। That was a wonderful experience. 15 minutes लगता है to go to the end of the cave and वहाँ पे एक झरना दिखाई देता है, उसके अंदर भी there's a very big cave. If you want you can go and explore, there's a hike and then you can go inside the cave as well, but we decided to do the normal way and explore only till the झरना part. And बहुत ही interesting है ये, ऐसा हमने कभी पहले experience नहीं किया गया था, so this is also a fun experience that you can come here and do in Dehradun.
रॉबर्स केव के आसपास थोड़े बहुत ईटरीज है, तो वहीं पर लंच कर दिया और वहां से निकल पड़े अगले डेस्टिनेशन की ओर। Here in Dehradun, this is a very holy pilgrim site जहाँ पे शिवजी का temple है that you can come and visit. It's considered to be a 6,000 year old temple. So let's go inside. भगवान का पहले दर्शन लेते हैं। श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरा एक केव के अंदर है और यहाँ दो अहम शिवलिंग हैं जिसमें कंटिन्यूसली नेचुरल पानी गिरता रहता है जो बहुत ही अनोखा लगता है। तो ये रहा श्री टपकेश्वर महादेव टेंपल हियर इन देहरादून। ये टेम्पल के अलावा यहाँ पे वैष्णो देवी का टेम्पल भी है, प्लस यहाँ पे हनुमान जी का टेम्पल भी है, दैट ऑल्सो यू कैन कम एंड विजिट। यहाँ पे बीच में नदी भी बह रहा है, विच इज ऑल्सो मेक्स दिस होल प्लेस सो प्लेजेंट एंड सो पीसफुल। दिस प्लेस इज ऑल्सो कंसिडर एज गुरु द्रोणाचार्य रेसिडेंस। जो पांडव थे उनके जो गुरु है उनका रेसिडेंस यहीं पे था ऐसा कहा जाता है। सो दिस इज अ 6,000 ईयर ओल्ड टेम्पल एंड एंशियंट वन दैट यू कैन कम एंड विजिट। Currently, I am at the next tourist spot here in Dehradun. This is the Forest Research Institute, FRI. It was founded in the year 1863 by the Britishers, and today this building still stands tall and it is so pretty. The arches on the wall, the brickwork and everything, the design is so symmetrical that it makes you wait and stare for a while. Now this place has been converted into a museum and also the Forest Research Institute, so unke yahan pe research bhi hota hai. So we can go inside the museum and let's see what is there to offer. Entry ticket to this grand place is rupees 15 per person and vehicle parking charges are additional. It's the largest and the oldest institute in India, spread across 450 hectares of land. The brick design and the arches are admirable and the open lawns and greenery around makes this place even more beautiful. Fun fact, this is even larger than Buckingham Palace in London. Bollywood fans out here, so यहाँ पे student of the year का भी shooting हुआ था, that is this was their college or their university. It's so fascinating to see this place in real, जब भी हमने movies में देखा था TV या theater में। सामने बहुत बड़ा सा lawn भी है and people are just chilling and enjoying. इसके अंदर museum plus university है that where kids are also studying. So this is a place in Dehradun that you can visit. But यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका एक particular time है, that is 9:30 AM in the morning till 4:30 PM in the afternoon. इसके बाद ये institute बंद होता है, you cannot visit. This is something, if you want to take pictures or you want to chill and take in the goodness of Dehradun, this is a place that you can come and visit. Monastery here in Dehradun. This is one of the largest monastery over here and it is so pretty. There is a big Buddha statue also over here and a very large meditation hall and center as well. Let's go and take a closer look at this beautiful place. The mind-rolling monastery in Dehradun was built around the year 1965 for promotion and protection of Buddhism. It is built in Japanese style architecture and the intricate carving and use of red and gold makes it so vibrant and striking. As soon as I entered, I was swept away with the peace this place had to offer, a zen-like atmosphere. Another attraction of this monastery is a 103 feet tall Buddha statue.
This monastery is also considered as the largest monastery in India. This place is absolutely magical and so peaceful. The whole environment, that is the whole place around here, is so beautiful. You'll find so many different structures and monuments built over here. It's like I'm transported to some other country. It is so out of this world over here. You should definitely come here when you are in Dehradun. This is a place that cannot be missed. Explored the markets of Dehradun. पहले पहुंचे घंटाघर बाजार, जिसे पलटन बाजार भी कहते हैं, जहां पे कपड़ों के साथ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज मिल रहा था। बहुत ही बड़ा बाजार है और यहां पे बहुत ही हलचल रहती है। वहां से गए टिबेटियन मार्केट, विच हैड क्लोथ्स एंड वुलन वेयर एंड जैकेट्स, और ऐसे एंड किया देहरादून का ये साइट सीइंग टूर। This is how you can explore Dehradun in just one day. मैंने ये वन डे में सारे places cover किए of Dehradun, जो भी important places है, जो famous places है, and also the places that you cannot miss. एक दिन काफ़ी है ये पूरे places को cover करने के लिए. आराम से और अच्छे से आप सारे places को cover कर सकते हैं. The best mode of transport here would be hiring a tourist car to take you to all the places. That would be so much convenient and less time consuming as well. I've also made my other videos from my trip to North India. All of them would be linked down below. So do check it out. Thank you so much for watching this video. If you liked it and made it this far, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye-bye.